जैन देखें, यहाँ पर जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें खंड काव्य एक जगह होगा, और उसमें देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जयसवास खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या जयसवास खंड काव्य के यहाँ पर आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र यहाँ पर चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर अथवा और क्या आएगा, जयसवास खंड काव्य के प्रमुख पात्र की यहाँ पर चारित्रिक विशेषताएँ लिखिए, या फिर इस प्रकार से इतनी यहाँ पर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोग बताने वाले हैं कि जो जयसवास खंड काव्य के नायक जो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का आपको चरित्र चित्रण कैसे लिखना है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही पूछा जाता है, और ये 3 नंबर का पूछा जाता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, ये भी बताऊंगा यहाँ पर आपको कितने पेज में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए प्रश्न नंबर कितना पूछा जाता है, 25वां पूछा जाता है। वहाँ पर देखिए बहुत सारे होंगे, अलग अलग होंगे, जयसुवास होगा, तुमुल खंड काव्य होगा, आग्र पूजा, ज्योति जवाहर, सब अलग अलग होंगे, और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा ये कौन कौन से जिले में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें लिखा है यहाँ पर, तो आपको क्या करना, प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या डालकर 25वें का अंगा हो या चा हो खा वाला हो, मतलब अलग अलग कर दिया जाता है, 7 सेट होते हैं, 7ों सेट में अलग अलग कर दिया जाएगा, तो जो भी हो ऐसे डाल देना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहली हेडिंग आपको इस प्रकार से डालना है कि जयसुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, इस प्रकार के डालने के बाद अब आपको क्या करना है, क्या करना है, काले पेन से आपको डालना है जयसुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, इतना जरूर ही डाल देना जिससे एग्जामिनर भी समझ जाएगा। उसके बाद में लिखना है श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित जयसुभाष खंड काव्य के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, इतना आपको याद कर लेना। बाकी आपको याद नहीं करना, मैं आप लोगों जो ट्रिक बताऊंगा वही ट्रिक से आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में लिखना, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो पहली हेडिंग यहाँ पर आपको काले पेन से याद कर लेना है, इसको कुशाग्र बुद्धि प्रखर प्रतिभाशाली, इसमें कैसे लिखना है देखिए, इसी को आपको यहाँ पर ज़्यादा शब्दों में लिखना है, हेडिंग याद रखोगे और इसी को ज़्यादा शब्दों में लिखना है। तो कैसे देखिए, कुशाग्र बुद्धि प्रखर यहाँ पर प्रतिभाशाली, तो सुभाष चंद्र यहाँ पर सुभाष या सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही क्या है, कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे, इन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रथम स्थान पर प्राप्त की थी या उत्तीर्ण की, मतलब ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है क्योंकि 3 नंबर का पूछा जाता है, ज़्यादा बड़े में लिखोगे तो आपका टाइम बर्बाद ही होगा। तो इतना समझ में है, कुशाग्र बुद्धि प्रखर प्रतिभाशाली में लिखना है, सुभाष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे, उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रथम स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण की, ये जो लिखा हेडिंग वही हेडिंग इसमें उतार देना है, मतलब पहले नाम लिखना उसके बाद में ऐसे कर देना बस। उसके बाद में दूसरी लिखना, महान देशभक्त और स्वतंत्रता से यहाँ पर प्रेमी, तो इसमें दूसरी हेडिंग में क्या लिखना है, सुभाष जी क्या है मैं यहाँ पर स्वाभिमान और निर्भीकता कूट कूट कर भरी थी, उन्होंने अपना समस्त जीवन राष्ट्र के नाम अर्पित कर दिया, क्या किया उन्होंने, जो इनका यहाँ पर समस्त जीवन था वो क्या है, राष्ट्र के नाम अर्पित कर दिया उन्होंने। बहुत सारी यहाँ पर आपने यहाँ पर सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें यहाँ पर आज़ादी दूंगा, और या दिल्ली चलो, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर नारा भी लगाए थे, और बहुत ज़्यादा इनका आज़ादी कराने में बहुत बड़ा योगदान था सुभाष चंद्र बोस का। तो इसी प्रकार से महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी में लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। उसके बाद में महान सेनानी योद्धा, इसमें कैसे लिखना, सुभाष जी महान सेनानी और अद्भुत योद्धा थे, उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज का संगठन और कुशल नेतृत्व करके इन्होंने यहाँ पर एक श्रेष्ठ सेनापति का की समता सिद्ध कर दी, ये जो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस थे इनकी एक फौज थी, उसका नाम संगठन था, उसका नाम क्या था, आज़ाद हिंद फौज। तो इस प्रकार से आपको 3 यहाँ पर लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, 3 हेडिंग याद कर लो और इसको दूर दूर लिख के एक पेज में लिखना है। पहली यहाँ पर देखिए इतना आपको याद कर लो कि जयसुभाष खंड काव्य के नायक चरित्र चित्रण, यहाँ पर नायक का चरित्र चित्रण श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित जयसुभाष खंड काव्य के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार। उसके बाद में कुशाग्र बुद्धि प्रखर प्रतिभाशाली, दूसरी यहाँ पर महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी, तीसरी यहाँ पर महान सेनानी योद्धा। तो ये 3 ही हेडिंग आपको तैयार कर लेना, बाकी इतना ही बड़ा लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ज़िले में पूछा जाता है, और एक पेज से ऊपर नहीं लिखना क्योंकि ये 3 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए जो आप लोग इन ज़िलों में रहते हैं तभी इस यहाँ पर इसको याद करना, वरना आप लोग नहीं याद करना। जो आप लोग लखनऊ से हो या सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, या आप लोग देख लेना जो आप अपने टीचर से पूछना, या विद्या जो क्वेश्चन बैंक होती है उनमें बहुत सारी जगह लिखा होता है कि कौन कौन से ज़िले में आता है, जो आपके ज़िले में हो वही आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। तो इन ज़िलों में रहते हैं तभी ये खंड काव्य तैयार करना, वरना आप लोग ये खंड काव्य नहीं तैयार करना, कमेंट कर दोगे मैं आप लोग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।